हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुक विद त्रिभा में। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी आलू की सूखी सब्जी। तो भिंडी तो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, तो हम इस रेसिपी को बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल लिया है, तो इसे हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच और इसे भुनने देंगे। तो आप देख सकते हैं जीरा हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे प्याज को, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये प्याज हमारा हल्के से फ्राई हो गया है, जिससे कि इसका कच्चापन चला गया है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट हो गया है और आलू हमारा हल्के से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक अच्छे से मिक्स हो गया है आलू में, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू हमारा हल्के से फ्राई हो गया है, चला लेंगे इसको। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को पहले अच्छे से धो लिया है, उसके बाद सुखा लिया है, फिर मैंने इसे कट किया है। तो मिक्स कर लेंगे भिंडी को आलू के साथ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं आलू और भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम, जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं सब्जी में। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गया है, ढक्कन को निकाल लेंगे। तो सब्जी हमारी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। तो चला लेंगे इसको। तो सब्जी बन के रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर चावल दाल के साथ खा सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।